हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक कमाल धमाल प्रोडक्ट। इसका नाम है माय शैम्पू मेकिंग लैब। तो ये आ जाता है एक्सप्लोर की तरफ से। जैसे गाइस, हम सभी को पता है कि एक्सप्लोर के प्रोडक्ट्स कितने जबरदस्त क्वालिटी के होते हैं। मैंने बहुत सारे एक्सप्लोर के प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स किया है और उसे टेस्ट भी किया है। गाइस, अभी तक एक भी प्रोडक्ट मेरी टेस्टिंग में फेल नहीं हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है मेक ए शैम्पू यूजिंग द पावर ऑफ केमिस्ट्री, और इसका प्राइस है 999 रुपीज। इसे मैंने बाई किया था अमेजोन से। आप भी अगर इसे बाई करना चाहते हो तो बाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन का, वहां से जाकर आप इसे बाई भी कर सकते हो। तो सामने देख सकते हो गाइज, इस तरह का बॉक्स होता है। बहुत ज़्यादा भारी बॉक्स है यार ये, और कितना बड़ा बॉक्स है आप देख सकते हो गाइज। और यहाँ पे पीछे की ओर देख सकते हो लिखा है कंटेंट्स, और सारे कंटेंट्स की यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है, और यहाँ पे शैम्पू के बारे में कुछ लिखा हुआ है। और गाइज, ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो चलिए बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसे कर लेते हैं अनबॉक्स और बना लेते हैं हमारा गजब का शैम्पू। तो माय डियर दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो हम जैसे ही इसे ओपन करते हैं, देख सकते हो यार क्या जबरदस्त पैकिंग है इस बॉक्स की, और यहाँ पर भी लिखा है माय शैम्पू मेकिंग लैब। तो बुक देख सकते हो गाइस, ये रही इसकी यूजर मैनुअल बुक। मैं आपको थोड़ी देर में ये सारी बुक भी बता दूंगा, इसके अंदर हमें कितने टाइप के शैम्पू बना सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हुई है, और हम आज दो टाइप के शैम्पू भी बनाना सीखेंगे इस किट को यूज़ करके। कितनी ढेर सारी चीज़ें आई है हमें इसके साथ। तो चलिए अभी मैं आपको जल्दी से सारी चीज़ें निकाल कर बता देता हूँ। देख सकते हो सेफ्टी के लिए एक सेफ्टी वाला ग्लास भी दिया हुआ है, जैसे कि हम लैब में यूज कर सकते हैं उस तरह की क्वालिटी के ग्लासेस है ये। तो इन ग्लासेस को रख लेते हैं साइड में, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। यहाँ पर है 3 ड्रॉपर्स, 3 स्पून्स, और वाओ कितने ढेर सारे बीकर्स मिले हैं यार। एक बड़ा वाला बीकर, एक छोटा वाला बीकर, और एक फनल, एक छोटा वाला बीकर, एक बड़ा वाला बीकर। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर साइड में रख रहा हूँ गाइस। और यहाँ पर हमें पेयर ऑफ ग्लाउजेस भी मिले हैं। अगर आप ये किट बाई करते हो तो यार ये ग्लाउजेस ज़रूर पहनकर ये शैम्पू बनाना, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। तो मैं अभी थोड़ी देर में ये ग्लाउजेस भी पहन लेता हूँ, पहले आपको मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ। देख सकते हो 4 छोटी छोटी बॉटल्स भी मिली है हमें शैम्पू को स्टोर करने के लिए। और ये क्या चीज है भाई, बेकिंग सोडा, वाओ। तो बेकिंग सोडा किस लिए यूज करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा गाइस। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पर जरूर से लाइक भी कर देना। तो इस तरफ के सारे कॉन्टेंट्स निकाल लिए मैंने, बहुत ही कलरफुल पेपर है ये, शायद इसे शैम्पू के बोतल को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। देखते हैं इसे भी थोड़ी देर में हम। और इस तरफ देख सकते हो गाइस, बहुत ही भर भर कर चीज़ें मिली हैं हमें, सारी चीज़ें निकाल लेते हैं चलिए जल्दी से। वाओ, तो ये क्या चीज़ है देख लेते हैं, पीएल बेस, और ये है क्लियर बेस, और ये है थिकनर शैम्पू को थिक बनाने के लिए। ओ माय गॉड गाइस, देख सकते हो और कितनी ढेर सारी चीजें आती है इसके अंदर हमें। इतने ढेर सारे परफ्यूम्स भी मिल जाते हैं हमें, देख सकते हो एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है ये, और ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन एप्पल, वाओ, वनीला फ्रेग्रेंस। तो 4 फ्रेग्रेंस भी आ जाते हैं, और ये है येलो फूड कलर फॉर कॉस्मेटिक कलरिंग, ये है ब्लू फूड कलर, और ये है रेड कलर। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर वार्निंग भी लिखा हुआ है, इसे आपको बहुत ही देख संभल कर यूज करना है। तो अभी इस यूजर गाइड को भी देख लेते हैं गाइस, इसके अंदर हमें कितने टाइप के शैम्पू बनाने के लिए मिल जाता है। एक्सपेरिमेंट पीएल शैम्पू, एक्सपेरिमेंट 2 क्लियर शैम्पू,
और यहाँ पर है एक्सपेरिमेंट 3 स्ट्रॉबेरी मिंट शैम्पू, वाओ। यहाँ पर है एक्सपेरिमेंट 5 कुकुम्बर एंड ग्रीन टी शैम्पू, एक्सपेरिमेंट 6 होममेड वनीला शैम्पू। तो चलिए दोस्तों, कौन से भी दो शैम्पू मैं इसके अंदर से पिक कर लेता हूँ, वही शैम्पू मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाने वाला हूँ। तो पहला शैम्पू है पीएल शैम्पू, ये बनाऊंगा मैं आज, और स्ट्रॉबेरी मिंट शैम्पू बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से बना लेते हैं शैम्पू। तो यहाँ पर हम अभी पीएल वाला शैम्पू बना रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे चीज़ें लेना है हमें, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी है और स्टेप्स फॉलो करते हैं। चलिए, इसमें जैसा दिया हुआ है तो इसे रख देता हूँ मैं साइड में। गाइस, सेफ्टी फर्स्ट, ये सेफ्टी ग्लासेस भी पहन लेता हूँ मैं। तो पहले ले लेंगे हम पीएल बेस, ये रहा। तो इसे कितना डालना है हमें, 20 ml यहाँ पर देख सकते हो सारा नंबर्स दिया हुआ है, इसके अंदर 20 ml डाल लेते हैं पीएल बेस को। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैंने ले लिया है 20 ml ऑफ पीएल बेस, और इसके अंदर अब हमें 40 ml ऑफ वाटर मिलाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, 20 ml ऑलरेडी इसके अंदर पीएल बेस था, मैंने यहाँ पर 40 ml ऑफ वाटर मिक्स कर दिया है। तो अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स करना होगा इस स्पून से। तो इसे मिक्स कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, कितना थिक पेस्ट है देख सकते हो गाइस। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे, अभी इसके अंदर हमें मिलाना होगा 1 ml ऑफ कॉस्मेटिक कलर। तो मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ ब्लू कलर, तो इस ड्रॉपर को यूज करते हुए मैं ले लेता हूँ 1 ml। तो इसके अंदर मिक्स कर देते हैं इस तरह से। वाओ, हो चुका है हमारा शैम्पू ब्लू कलर का। इसके अंदर अभी फ्रेग्रेंस मिलाना होगा, परफ्यूम 5 drops लिखा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन एप्पल फ्रेग्रेंस, इसके अंदर डाल लेता हूँ 5 drops, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके अंदर अभी मिक्स करेंगे हम 1/2 teaspoon ऑफ थिकनर, ये रहा थिकनर। यहाँ पर ले लिया मैंने, तो इसे भी मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेता हूं मैं, स्लोली। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है गाइस। चलिए अभी इस शैम्पू को डाल लेते हैं इस बोतल के अंदर। तो यहां पर हमें एक फनल भी मिल जाता है, तो इस फनल को यूज करते हुए हम इसके अंदर डाल लेते हैं जल्दी से। वाव दोस्तों, आप देख सकते हो यार कितना जबरदस्त दिख रहा है हमारा शैम्पू। तो इसे टाइट कर देते हैं और इसे रख देते हैं यहां पर। तो चलिए अभी हमारा दूसरा वाला भी शैम्पू बना लेते हैं गाइस। अभी हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिंट शैम्पू। तो इसके लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगती है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले ली है गाइस, आप देख सकते हो। तो पहले हमें इन ए पैन ऐड 100 ml ऑफ वाटर। तो एक पैन के अंदर हमें 100 ml ऑफ वाटर लेना होगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पर बीकर ले लिया है, मेरे पास अवन है, मैं अवन के अंदर इसे हीट करूँगा। तो इसके अंदर डालना होगा हमें थोड़ा सा पुदीना यानी कि मिंट, देख सकते हो इस तरह से डाल लिया मैंने इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं इसे ओवन में डाल रहा हूँ गाइस, इसे मैं अभी बॉईल कर लूंगा। तो यहाँ पर ये वाटर हो चुका है बॉईल, वाह यार बहुत हॉट है। तो इसे निकाल लेते हैं आराम से बाहर और इसे थोड़ा सा कूल कर गाइस रेफ्रिजरेटर में रख दूंगा मैं।
तो ये देख सकते हो गाइस, ये अभी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है ये पानी। तो अभी इसे मैं फ्रीजर के अंदर रख देता हूँ 2 आवर्स तक। तो अभी 2 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। वाओ दोस्तों, देख सकते हो बहुत ही कूल हो चुका है अभी ये। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं हम। तो इस स्ट्रॉबेरी मिंट शैम्पू को बनाने के लिए गाइस हमने मैक्सिमम सारी चीज़ें कर ली है, देख सकते हो। यहाँ तक 2 घंटे तक इसे मैंने फ्रिज में भी रखकर छोड़ दिया था। तो देख सकते हो सारा कलर इस पानी का ग्रीन हो चुका है। तो इन लीव्स को निकाल लेते हैं इसके अंदर से हम लोग बाहर इस तरह से। वाव दोस्तों, क्या मस्त खुशबू आ रही है यार इसके अंदर से पुदीने की। तो इस पानी को रख देते हैं यहाँ पर हम लोग। तो अभी 20 ml PL बेस मिला लेंगे। ये रहा एक कंटेनर, तो ये रहा PL बेस। तो इसे डाल लेंगे 20 ml। ओके, यहाँ पर ले लिया मैंने 20 ml ऑफ PL बेस। नेक्स्ट 40 ml ऑफ ये मिंट वाला पानी मिलाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मिला दिया मैंने पानी और इसे अच्छे से घोल लेंगे गाइस, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अभी इसके अंदर हम मिलाएंगे कॉस्मेटिक कलर। कितना मिलाना है? 1 ml मिलाना है इसके अंदर हमें। तो मैंने यहाँ पे लिया है रेड कलर वाला कॉस्मेटिक कलर। तो 1 ml ले लेता हूँ मैं इस ड्रॉपर से। तो यहाँ पे हो चुका है 1 ml। तो इसे इसके अंदर मिक्स कर देता हूँ मैं। वाव यार, आप देख सकते हो पूरा शैम्पू रेड कलर का हो चुका है। तो नेक्स्ट हम मिलाएंगे स्ट्रॉबेरी परफ्यूम। इसे 5 ड्रॉप्स डालना होगा हमें। तो ये 5 ड्रॉप डाल ली मैंने। यहाँ पर शैम्पू थिकनर मिलाना होगा। ये रहा थिकनर। तो इसे 1/2 teaspoon लेना होगा। ओ तो ये हो चुका है 1/2 teaspoon। तो इसे भी मिला लेते हैं इसके अंदर इस तरह से और इसे अच्छे से घोल लेंगे। वाव यार, देख सकते हो क्या बढ़िया कलर आया है इस शैम्पू का। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है 1 मिनट तक। तो अभी इसे बॉटल में डाल लेते हैं। ये फनल लगा लेता हूं मैं और इसके अंदर इस तरह से फिल कर लेंगे। ऑल राइट, तो यहां पर गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस वाले क्लियर बेस को क्यों नहीं यूज किया है। तो यार ये क्लियर बेस आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 नहीं किया है गाइस। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 मैं आपको फिर कभी करके बताऊंगा। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ये क्लियर बेस यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों शैम्पू रेडी हो चुके हैं हमारे। तो चलिए अब इन दोनों शैम्पूस को टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट करने से पहले गाइस यहाँ पर कुछ मेन चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ इसे किस तरह से यूज़ करना है। डायरेक्शन टू यूज़, तो हमें इसे 4 से 5 बार इस तरह से शेक करना होगा और थोड़ा सा शैम्पू हमारे हाथ में डालना होगा और इसके साथ थोड़ा सा पानी भी मिक्स करना होगा। क्योंकि गाइस ये देख सकते हो आप बहुत ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में बना है ये शैम्पू। तो मैं आपको मेरे हाथ में भी डाल के बताता हूँ, देख सकते हो यार बस इतना सा शैम्पू काफ़ी है। और हमें इसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिक्स करना होगा और फिर हम इससे अपना सर भी धो सकते हैं। देख सकते हो गाइस इतना ज़्यादा झाग बन रहा है इस शैम्पू से। वाव यार, मज़ा आ गया। तो दोस्तों आप अगर इस किट को बाई करना चाहते हो तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे बाई भी कर सकते हो।
ये थी गाइस हमारी लास्ट वाली वीडियो, हाउ टू मेक ए हाइड्रोलिक जैक एंड प्रोजेक्टाइल लॉन्चर। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जाकर जरूर से देख लेना, बहुत ही कमाल का साइंस एक्सपेरिमेंट किया था मैंने इस वाली वीडियो में। और आप लोगों ने यहाँ पे किए हैं 1.3K लाइक्स, तो यार मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे 5000 लाइक्स तक जरूर से कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए चटपट टॉय टीवी को। तो चलिए आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। ओ वाव दोस्तों 571 कमेंट्स आए हैं हमें, तो चलिए सारे कमेंट्स को मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। देख सकते हो सारे कमेंट्स पर मैंने हार्ट दिए हैं, सारे कमेंट्स को लाइक भी किया है और सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश भी की है। तो इन सारे कमेंट्स में से मैंने पिक किए हैं 30 लोगों के नाम, तो उनका नाम अभी मैं लेने वाला हूँ। अगर गाइस आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है तो यार रियली दिल से सॉरी बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं रोज़ाना हर किसी का नाम लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला नाम आ जाता है राजेंद्र राणा, अजय कुमार सिंह, सरस्वती मिस्त्री, अब्दुल नवाज मलिक, इरम अयाज, क्षमा गुप्ता, बिस्ट बॉय तन्मय, सुनील, मनिंदर गुजर, आर्या चौहान, अली उजैर मास, कमलेश माली, अर्पिता घोषाल, आबरू इम्तियाज, कार्तिकेय शर्मा, गंगा सुदन, एमडी मुस्फिकुर रहमान, सिद्धार्थ भरवानी, पवन आंचलिया चौहान, संदीप, जगदेव शर्मा, रूपेश कुमार, कुंजी लाल मीना, जगत तेवतिया, अभिराम गलंकी, अंशद सिंह, शेख परवाज, ऋषभ जैन, नीरू गुलशन। थैंक यू दोस्तों इतने ज़बरदस्त कमेंट करने के लिए आप लोगों का। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो मैं लूँ आपका नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो इस वीडियो पे ज़रूर से लाइक कर देना, नीचे कमेंट भी कर देना, मैं आपका नाम ज़रूर से लेने के लिए पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज़ के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।